ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे कि जैसे अभी सपोर्ट करी, ऐसी कोई बात आए पर है तो फिर वोट देना, फिर आगे बढ़ाना और जिता के लाए ट्रॉफी, ट्रॉफी जिता ले आए। आप ब्लॉग में आते थे, जो ऑडियंस यानी जो मिलियन की सब्सक्राइबर है, जो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, इंडिया की जनता देख रही है शिवानी जी को बिग बॉस में, उनसे क्या अपील कहना चाहते हैं? उनसे हम यही अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वोट दें, अगर अगली बार ज़रूरत पड़े पड़े वोटों की तो इससे बढ़िया वोटिंग करें और हमारी ऑडियंस करेगी, हमें विश्वास है, बिल्कुल। कुछ कहेंगे ऑडियंस? यही कहा है ये कहा, अगर जरूरत आगे और पड़ेगा, अब कहना सपोर्ट करी जैसी, और आगे और जरूरत पड़े तो कहना मांगे फिर उन्हें आगे से आगे बढ़ाएं। इस गांव का है गंवार का, तो उनके लिए क्या कहें? जो लोग ये कहते हैं कि गंवार है शिवानी, तो वो पहले वाले वोट में देख लें कि शिवानी अगर गंवार होती तो ये इतने पब्लिक ने सपोर्ट किया है, जिताया है, खुद ही समझ गए होंगे गंवार है कि क्या है, या फिर वो खुद गंवार होंगे इसलिए कह रहे हैं। जो ऑडियंस देख रही है, जो वोट करते हैं लोग, जो शिवानी के सब्सक्राइबर, जो शिवानी को चाहने वाले लोग देख रहे हैं, उनके लिए आपके क्या सजेशन है? यही कहेंगे कि सब लोग शिवानी को सपोर्ट करो, वोट करो और आगे बढ़ाओ और ट्रॉफी घर में लाओ, ट्रॉफी घर में ले आओ, अरैया जिला हरियाली। जो ऑडियंस देख रही है उन्हें क्या कहेंगे? क्या जो ऑडियंस वोट देती है शिवानी जी को, वोट देने के लिए कैसे क्या कहेंगे? उसे बिग बॉस में गई, अब उसे वोट दें, आगे बढ़ाएं और कहा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर, मैं हूं आपका सनी। इस वक्त मैं हूं उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया में। औरैया की एक बेटी है शिवानी कुमारी, ऑफिशियल करके बहुत तेज वायरल चलती है और इस वक्त बिग बॉस OTT 3 में एंट्री कर चुके हैं, लगातार वो बिग बॉस के अंदर है। हालांकि कुछ दिन पहले उनकी नॉमिनेट हुई थी, लेकिन ऑडियंस के इतनी प्यार की वजह से उन्हें फिर से वोट मिला और अभी वो घर की बिग बॉस के घर के अंदर है। अभी मैं बिग बॉस शिवानी जी के घर में हूँ, घर पर हूँ और मेरे साथ उनकी माता जी हैं। इस प्रकार से शिवानी ने एक गांव की बिटिया शहर बिग बॉस में एंट्री की। क्या कभी सोचा था बिग बॉस का नाम जानती हैं दादी, या बिग बॉस होता है क्या? इस सब सिलसिले में बात करेंगे दादी जी से। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है। खाना पीना हुआ? हो गया। कितनी बार खाई अब? दो बार खाओ। अभी दो बार खाई। नाश्ता किया फिर खाना खाया। कितनी बार खाती है दिन में? एक ही दो बार खा। आपकी तबीयत भी गड़बड़ है? हाँ, इसीलिए तो कम खाते। कम खाती है? और का। अच्छा, आपको बिटिया शिवानी बहन चली गई बिग बॉस पे। सबसे पहले आप बिग बॉस जानती हैं क्या होता है? हम नहीं जानते। अभी भी आप पता है? जब बिग गई है तब जानी है क्या होता है। क्या होता है बिग बॉस? क्या होता है बताइए। अब हम बिग बॉस के बारे में जाना नहीं, अब जाने की बिग बॉस जो होता है कि वहाँ सब हीरो हीरोइनें सब मिलती हैं। हाँ, तब तो जानो है शिवानी ने जनवाओ। इस प्रकार से गांव की बिटिया, आप वीडियो बनाने के लिए पहले मना कर रही थी, आज बिटिया बिग बॉस में गई है, बड़े बड़े जो हीरो हैं उनके साथ है, उनके साथ खेल खेल रही है। बिग बॉस का जो एक खेल होता है, खेल खेल रही है, गेम खेल रही है, तो आप ये कभी सोची थी सपने उपने में कि हाँ कि हमारी बिटिया यहाँ से वहाँ तक चली जाएगी? नहीं सोची थी। वीडियो बनाने के लिए आप मना क्यों कर रही थी? मना तो इस कर रहे कि सब लोग कहते कि वीडियो बनाता है और भैया नहीं, बाप नहीं, नाथ कटी है, माता अरी को कहबो नहीं मानता है, इसलिए जो मारते थे उन्हें, मारते थे। लोग बोलते हैं कि गंवार है, गांव से है, छोटे गांव से गंवार है, तो हम तो जब कहना चाहते हैं कि अगर वो गंवार है तो तुम सबसे ज़्यादा गंवार। गंवार क्यों कहा? तुम गंवार हो, तुम ही गंवार हो, जब तो गंवार बोले। हाँ, जब वो बिग बॉस बोल रहे थे, आप वीडियो देखती हैं बिग बॉस का? हाँ, देखते हैं रोज। ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे कि जैसे अभी सपोर्ट करी, ऐसी कोई बात आए पर है तो फिर वोट देना, फिर आगे बढ़ाना और जिता के लाए ट्रॉफी, ट्रॉफी जिता ले आए। अरे आप शिवानी जी पूरा उत्तर प्रदेश में छा गई हैं, पूरा गांव में रोशन हो रहा है कि गांव की बिटिया गांव बिग बॉस में चली गई। हाँ, पूरा गांव
बड़े बड़े शहर लोग नहीं जा पाते, जब इतने पढ़े लिखे और सब बातें करत वे नहीं जा पाए रही है। आप इसके पहले शिवानी जी की माता जी का इंटरव्यू देखे थे, शिवानी जी की माता जी ने आपसे काफ़ी सारी बातें की। अभी मेरे साथ शिवानी जी के जीजा जी हैं और ये उनके भैया जी हैं। अब हम बात करेंगे शिवानी जी जिस प्रकार से बिग बॉस में गई हैं और उन्हें काफ़ी अंदर ट्रोल भी किया जा रहा है, जिस प्रकार से नॉमिनेट होने के दिन उनसे जब बिग बॉस ने पूछा कि कैसे बाहर किया जाए शिवानी को या नीरज जी को, लेकिन सब ने कहा शिवानी जी को, क्योंकि उनकी बात कहने की लहजे तमाम प्रकार की उनसे बातें बोली। तो आइए हम इनके जीजा जी से बात करेंगे और उनके भैया जी से बात करेंगे शिवानी जी के। क्या कभी सपने में भी सोचा था कि बिग बॉस जैसा बड़ा इतना ज़्यादा चैंपियन क्या शिवानी जा सकती है या नहीं, इस सब सिलसिले में बात करेंगे। जीजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। ब्लॉग में आते हैं बराबर बोलते हैं, ऐसे नहीं बोल पा रहे आप। ना बोल रहे हैं कम आहुत ब्लॉग में। अच्छा हाँ, क्या होता है बिग बॉस जानते हैं? बिग बॉस सीरियल होता है। सीरियल होता है। हाँ पहले देखा था एक आध बार, अब तो कंटिन्यू देख रहे हैं। जब से शिवानी बिग बॉस गई है तब से कंटिन्यू हम टीवी अपनी बाहर रख लेते हैं। अच्छा। वहाँ रख के पूरे गांव को दिखाते हैं और जितने लोग आते हैं उन लोगों को दिखाते हैं। गांव वाले का मन है दिखाने का कि आप खुद दिखाते हैं? अब कोई जो आ जाए वो देखे, हम किसी कहते थोड़ी ना देखूँ, हमें देखना हम देख रहे। हाँ बिग बॉस आपके अनुसार बिग बॉस एक सीरियल होता है, उसके अंदर सब लोग जाते हैं? हाँ जाते हैं और वहाँ उनका जो भी सिस्टम है लड़ाई नोक झोंक वो तो ये सब होता ही रहता है। कुछ कुछ उनके अपने रूल हैं, वो अपने सिस्टम दे अपना खेल खेल रहे हैं। ये सब सोचा था अपने सपने में कि हमारी जो साली है या गांव की जो बिटिया है, गांव के लोग क्या इतने बड़े मुंबई शहरों में वो भी तमाम बड़े बड़े एक्टरों के साथ जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ बैठ के एक गेम यानी बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ पार्टिसिपेट कर सकते, क्या कभी आपने सोचा था ये सब सपने में भी? पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा था सपने में ये कि ऐसा होगा। जब से शिवानी फेमस हुई हैं और आगे 4 मिलियन ये वगैरह होता रहता है तब मैंने सोच लिया था ये एक न एक दिन कोई बड़ा काम करेगी। बड़ा काम करेगी। हाँ। अच्छा जब स्टार्ट की और कल जब बताया शिवानी अंदर हो गई, वोटिंग बढ़िया हुई, जीत गई तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई। हाँ अरमान उरमान जो थे, अरमान की पत्नी अरमान, बाकी और जो एक्टर थे तो कह रहे थे शिवानी को बाहर निकाले, शिवानी को बाहर निकाले, ऐसा क्यों कह रहे थे? अब वो उनकी सोच है। डर रहे हैं क्या? डर रहे, बिल्कुल डर रहे, तभी तो बोल रहे भाई अगर हमें किसी से डर नहीं आए तो हम क्यों कहेंगे भाई तुम बाहर इनको बाहर निकालो उनको बाहर निकालो, इसके मतलब वो शिवानी डर रहे जब वो तीन लोग शिवानी अकेली। ब्लॉग में आते थे जो ऑडियंस यानी जो मिलियन के सब्सक्राइबर है, जो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, इंडिया की जनता देख रही है शिवानी जी को बिग बॉस में, उनसे क्या अपील कहना चाहते हैं? उनसे हम यही अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वोट दें, अगर अगली बार ज़रूरत पड़े पड़े वोटों तो इससे बढ़िया वोटिंग करें और हमारी ऑडियंस करेगी, हमें विश्वास है। विश्वास है बिल्कुल, इसलिए विश्वास है। हम संडे को हमारे यहाँ पर डे 150 लोग आते हैं मिलने। अच्छा। हम लोग उनकी फुल व्यवस्था करते हैं, हमारे हम लोगों में कोई घमंड नहीं है, ये भी नहीं है भेदभाव खटिया ये है वो है, सब बढ़िया तरीका सब करते हैं, तभी ऑडियंस हमको चाहती है और बिल्कुल करेगी सपोर्ट, इससे ज़्यादा करेगी। अगर वोटिंग के मामले में अगली बार वोटिंग ये आती है तो इससे भी ज़्यादा अच्छे वोट मिले, क्योंकि हमारी पब्लिक इतनी जानकार नहीं थी, देहाती थी तो उनको इतनी जानकारी नहीं थी कि कैसे वोटिंग की जाती क्या की जाती है। अब हमारी पब्लिक जानकार, जब हम गंवा रहे हैं तो हमने लोगों को दिखा दिया, हमारी ऑडियंस ने कि हम गंवा रहे हैं तो देखिए हमारा जलवा, उन्होंने अपना जलवा दिखा दिया। दिखा दिया शिवानी, बिल्कुल दिखा दिया शिवानी ने, हमारी ऑडियंस ने, ऑडियंस ने जलवा दिखा दिया, बढ़िया तरीके से शिवानी जीत गई, फिर अंदर हो गई। साथियों अभी आपने जीजा जी और भाइयों की शिवानी के भाई की बात सुनी, अब मैं शिवानी के दीदी जी जो बावर्ची थी, बावर्ची के रूप में बहुत प्रचलित हैं, ब्लॉग में आती रहती है और उनकी एक सेकंड दीदी है, उनसे बात करेंगे। आइए कुछ कहेंगे ऑडियंस से जो वीडियो देख रही है? यही कहा है किया जाए तो उसके बारे में ये कहा अगर ज़रूरत आगे और पड़ेगा अब वह कहना सपोर्ट करी जैसी और आगे और ज़रूरत पड़े तो कहना मांगे फिर उन्हें आगे से आगे बढ़ाएँ और ट्रॉफी जिता के बाहर लाएं।
बिग बॉस की विजेता बने। रिश्ते गांव का है गंवार कहते उनके लिए क्या कहें, जो लोग ये कहते हैं कि गंवार है शिवानी तो वो पहले वाले वोट में देख लें कि शिवानी अगर गंवार होती तो ये इतनी पब्लिक ने सपोर्ट किया है, जिताया है तो वो खुद ही समझ गए होंगे गंवार है कि क्या है, या फिर वो खुद गंवार होंगे इसलिए कह रहे हैं। उनके लिए हम कहना चाहते हैं सभी लोग सपोर्ट करें और हमारे उत्तर प्रदेश का नाम करें और हमारे गांव का नाम, वो जीत के आए बस सभी लोगों से यही कहना है। यानी बिग बॉस की ट्रॉफी जो है इस बार उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए, औरैया जिला अरियारी गांव। अरियारी गांव जो ऑडियंस देख रही है, जो वोट करते हैं लोग, जो शिवानी के सब्सक्राइबर, जो शिवानी को चाहने वाले लोग देख रहे हैं, उनके लिए आपके क्या सजेशन है? यही कहेंगे कि सब लोग शिवानी को सपोर्ट करो, वोट करो और आगे बढ़ाओ, ट्रॉफी घर में लाओ, ट्रॉफी घर में ले आओ, औरैया जिला अरियारी। इनका नाम है सीमा और ये शिवानी जी की बचपन की फ्रेंड आई है। जो ऑडियंस देख रही है उन्हें क्या कहेंगे? क्या जो ऑडियंस वोट देती है शिवानी जी को, वोट हाँ। देने के लिए कैसे क्या कहेंगे? उसे बिग बॉस में गई, अब उसे वोट दें, आगे बढ़ाएं और कहा है।